मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं कि डेस नाम का लड़का अपनी माँ के साथ हॉरर मूवी देख रहा होता है और एंटरटेन कर रहे होते हैं। तभी वो अपने बेटे के लिए चॉकलेट मिल्क शेक लेने रसोई में जाती है, जहाँ पर एक पागल आदमी उसकी माँ को मार देता है। वो उस लड़के को भी मारने लगता है। तभी उसका बाप आकर पागल आदमी को गोली मार देता है और अपने बेटे की जान बचा लेता है। तभी स्टोरी 10 साल आगे बढ़ जाती है, वो लड़का बड़ा हो जाता है। तब देखते हैं कि वो अपने सिस्टर से ब्लड फेस्ट इवेंट में जाने को कहता है। वो कहती है कि ये बहुत खतरनाक है, इसके लिए डैड से परमिशन ले लो। वो अपने डैड के पास जाता है और देखता है कि उसके डैड को उसके बैग से वो टिकट मिल जाती है। वो उसे मना करते हैं वो हॉरर इवेंट में जाने से, और वो ब्लड फ्रेस्ट का बैंड तोड़ देते हैं। उसके डैड कहते हैं कि डैक्स, इसी हॉरर मूवी के कारण तुम्हारी माँ की जान गई थी, तुम भी ये पागलपन छोड़ दो। डैक्स अपने कॉलेज चला जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि उसके डैड ने मना कर दिया है और उसकी टिकट जो है फाड़ दी है, अब वो नहीं जा पाएगा। उसके दोस्त कहते हैं कि तुम अपने डैड से इतना डरते क्यों हो, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा मौका है, तुम हमारे साथ जरूर जाओगे। तभी वो अपने एक दोस्त एशले को कॉल करता है ब्लड फ्रेस्ट बैंड के लिए, तो वो कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही एंट्री दिलवा दूंगी। वो सभी उस ब्लड फेस्ट के लिए निकल जाते हैं। तभी पार्टी में उन्हें दी आर्बोरिस्ट मिलते हैं, जो हॉरर मूवी बनाते हैं। टैक्स उनके पास जाता है, वो उसे इग्नोर मार देते हैं। हॉरर पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पर शुरुआत में हम देखते हैं कि दो लड़कियों का गला काट दिया जाता है। सभी को पहले तो मजाक लग रहा होता है, फिर बाद में वो कहते हैं कि ये सीरियस है, अब आप सभी इस खेल में शामिल है, अपनी जान बचा सकते हो तो बचा लो। वहाँ सभी लोग अपनी जान बचा कर भाग रहे होते हैं, वो लोग सभी को मार रहे होते हैं। तभी डैक्स और उसके दोस्त एक रूम में जाकर दुपक जाते हैं, जहाँ पर ऐशे और उसका साथी भी आ जाते हैं। वो लोग बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आड़ी लेकर उन्हें मारने आ जाता है। वो लोग भाग जाते हैं और एक कब्रिस्तान में पहुँच जाते हैं। तभी देखते हैं कि वह एक पागल मैजिशियन भी आ जाता है, जो वहाँ एक खून करा रहा होता है, उस जगह को और भी ज्यादा हॉरर बना देता है। उधर डैक्स और उसके फ्रेंड्स पर ज़ॉम्बीज आकर हमला कर देते हैं और एशले की फ्रेंड को जमीन पर गिरा देते हैं। तभी डैक्स देखता है कि ये नकली ज़ॉम्बीज है और इन्हें कोई ऑपरेट कर रहा है। वो उनकी वायर ढूंढकर उसे तोड़ देता है। वो ज़ॉम्बीज वहीं गिर जाते हैं। वो लोग भागते भागते दी आर्बोरिस्ट के रूम में पहुंच जाते हैं। अब वो सब साथ रहते हैं, रास्ता ढूंढते वो एक किले में पहुंच जाते हैं। वहाँ वो पागल आदमी आड़ी लेकर पहुंच जाता है, वो दी आर्बोरिस्ट को मारने लगता है। इतने में उनका क्रिल दोस्त आकर उस पागल आड़ी वाले आदमी को मार देता है। वो लोग बच कर भाग जाते हैं। तभी सैम को किसी की आवाज सुनाई देती है, वो उसे बचाने के चक्कर में खुद फंस जाती है। उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तभी दी आर्बोरिस्ट सैम को बचाने के लिए खुद को फंसा लेते हैं और कहते हैं कि हम अपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना, और उनकी जान चली जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि डैस के फादर एक इंटरव्यू में ब्लड फ्रेस्ट को पागलों का समूह बता रहे होते हैं, पर उनको पता नहीं होता कि उनका बेटा भी वहाँ है। तभी एक उन्हीं उनके पीछे पड़ जाता है। वो लोग भागते भागते ज़ॉम्बीज के बीच में फंस जाते हैं, जहाँ एशले और क्रिक की जान चली जाती है। तभी वहाँ डेस्क के डैड भी पहुँच जाते हैं। वो अपने बेटे को देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। तभी डेस्क को पता चलता है कि वो खूनी कोई और नहीं बल्कि उसकी बड़ी सिस्टर जैमी है, और इन सभी के पीछे उसके डैड का हाथ है। जैमी सभी को वापस जाने के लिए कहती है और कहती है कि अभी हमने और लोगों की जान लेनी है, और वो अपने डैड के पास चली जाती है। जैसे ही डैक्स बाहर जाने लगता है, वहाँ का गेट बंद हो जाता है। वो लोग वापस ब्लड फेस्ट में चला जाता है। वहाँ ज़ॉम्बीज उनको मारने लगते हैं। तभी उसके डैड स्क्रीन पर ये सब देख रहे होते हैं और उस मैजिशियन से पूछते हैं कि और कितने आदमी है जिंदा। वो बताता है कि अभी 100-150 और जिंदा है। तभी वो कहता है कि वो जो बैंड दिया था तुम्हें, वो सबके हाथ में होगा, एक काम करो सबको ज़ॉम्बीज बना दो। तो वो सभी को बना देता है। उधर वो सैम भी बन जाती है और डैक्स को मारने लगती है। डैक्स भागकर अपने फादर के पास जाता है और उन्हें सब रोकने के लिए कहता है, पर उसका डैड उसे ही मारने लगता है। तभी उसकी सिस्टर अपने ही बाप को मार देती है और सैम के हाथ से वो बैंड हटाने को कहती है, जिससे सैम ठीक हो जाती है। उसकी सिस्टर चली जाती है। यहीं पर मूवी समाप्त हो